हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ओनली वेल्थ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एट प्रेजेंट अभी मार्केट लाइव चल रही है और आप डेट चेक कर सकते हैं। आज है 24 दिसंबर 2021। तो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है 9:54। और तो फ्रेंड, मैंने आज की ट्रेड कर ली है और मैं आपको बता देता हूँ मैंने आज की ट्रेड कहाँ पर ली थी। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट मैंने यहाँ पे एट प्रेजेंट लगाया हुआ है। और अगर फ्रेंड मैं इसे 1 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ तो ज़्यादा क्लियरिटी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की जो ओपनिंग हुई है इस कैंडल के साथ यहाँ पे ओपनिंग हुई है। एक मिनट फ्रेंड, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडल पे ओपनिंग हुई है 9:15 पे और इसका हाई था 35,327, 35,327 पे ओपन हुआ था। दैट मीन्स मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ पे ओपन हुआ था। कल की क्लोजिंग से यहाँ पे कंपेयर करें, कल की क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कल की क्लोजिंग थी 35,000 यहाँ पे 82। तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के साथ ओपनिंग हुई और उसके बाद पहली ही 1 मिनट की कैंडल ने लगभग यहाँ पे डाउनफॉल आप देख सकते हैं इसे लो बना दिया है 35,123। तो 200-250 पॉइंट का एक ही कैंडल में इसे यहाँ पे डाउनफॉल दिखा दिया। फिर यहाँ पे कैंडल छोटी हो गई और इससे यहाँ पे रिवर्सल लिया। तो फ्रेंड, जो ये रिवर्सल था ये एक तरीके से ट्रैप था बायर्स के लिए जिन्होंने यहाँ पे बाई कर लिया होगा। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि 15 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी हुई है वाइट कलर की। तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी बार बार इस पे सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। अगर इसे 1 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पे यहाँ पे देखें तो इसी सपोर्ट लाइन को इसने पहली ही 1 मिनट के कैंडल में यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। तो दैट मीन्स जो इसका सपोर्ट यहाँ पे एक्ट कर रही थी ये बार बार इस पे आके, जैसे कि 15 मिनट पे मैंने दिखाया था सपोर्ट ले रही थी, अब ये एज अ रेजिस्टेंस इसकी बन चुकी है। और दूसरा, जब सेलर्स इतने यहाँ पे वॉल्यूम के साथ आ गए हैं तो यहाँ पे कम चांसेस रहते हैं कि बायर्स इसको वापस इस लेवल तक ले जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही एक बेयरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर दी थी। हालांकि इस वाली ट्रेड में ज़्यादा मेरे को बेनिफिट नहीं हुआ। तो फ्रेंड, मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ पहले आज की ट्रेड जो है। तो फ्रेंड, यहाँ पे दो ट्रेड मैंने ली है 35,100 की पुट में, जिसमें मेरे को जस्ट 595 रुपीज़ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रेड मैंने 9:25 पे ली थी। तो मैं टाइम के साथ आपको चेक करा देता हूँ, ये 9:24 है फ्रेंड। तो जस्ट इसकी नेक्स्ट कैंडल में मैंने यहाँ पे पुट की पोजीशन ली थी 9:25 पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डाउन गई भी थी और उसके बाद इसे यहाँ पे रिवर्सल ले लिया। तो इसमें कुछ ही पॉइंट मैं गेन कर पाया था, इसीलिए प्रॉफिट मेरा 595 का इस पे हुआ, क्योंकि इस वाली कैंडल ने डाउनफॉल दिखा के यहाँ पे रिवर्सल ले लिया था। और अगर रिवर्सल यहाँ पे ले लिया था, ट्रेंड लाइन तो मेरे को कन्फर्म थी कि ट्रेंड लाइन क्रॉस होनी इतनी ईजी नहीं होगी। तो अगर ये अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे दिखाता तो फिर इसकी अपसाइड में मूवमेंट 35,211 तक हो सकती थी, तो यहाँ पे लॉस हो जाता। तो फ्रेंड, धीरे धीरे आप इसी तरीके से सीखिए, थोड़ा भी प्रॉफिट हो रहा है और मार्केट रिवर्स कर रही है तो पहले उस प्रॉफिट को बुक कर लीजिए फ्रेंड। दूसरा प्रॉफिट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। दूसरा प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं 35,900 की पुट मैंने यहाँ पे बाई करी थी और जिसमें मेरे को आज की डेट में 7,321 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और इसमें अगर आप देखें फ्रेंड, ये मैंने 9:39 पे पुट ली थी, तो 9:39 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 35-36 इस वाली में जस्ट इस वाले सपोर्ट को इसे यहाँ पे ब्रेक किया था, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गई थी और इसी में मैंने प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया। लगभग 7,300 रुपये का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा। तो आज का प्रॉफिट अगर टोटल मेरा देखेंगे तो 7,900 के करीब ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट हो चुका है फ्रेंड इसमें। तो फ्रेंड, इसी तरीके से लॉस भी होता है इसमें, ऐसी बात नहीं है, लॉस भी
करना पड़ता है, पर हमें प्रॉफिट में रहने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस के साथ, दैट मीन्स लॉस हमें कम देना है, जबकि मोमेंटम ज़्यादा पकड़ना है, दैट मीन्स प्रॉफिट ज़्यादा करना है, तभी हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पे बन सकते हैं। और फ्रेंड आज की मोमेंट आप देख सकते हैं, लाइव मार्केट एट प्रेजेंट चल रही है, कल मैं वीडियो पोस्ट यहाँ पे नहीं कर पाया था, तो एट प्रेजेंट लाइव मार्केट में आज मौका मिला है, तो मैं आपको लाइव मार्केट में यहाँ पे बता देता हूँ। तो फ्रेंड ये जस्ट प्रिडिक्शन होती है, 100% कुछ भी नहीं बोल सकते मार्केट में कि ऐसा ही होगा, ये बोल सकते हैं कि इस लेवल पे आएगा तो इस तरीके से बिहेव करेगा, और दूसरे किस लेवल पे जाएगा तो मूवमेंट किस तरीके की हो सकती है। तो एट प्रेजेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है, यहाँ पे इसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर एक ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे फिर से ये कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेशन भी आप अगर ऑब्जर्व करें क्लोजली फ्रेंड, तो कहाँ पे कर रहा है, ये जस्ट इसकी पहली वाली सपोर्ट, ये रेड कलर की लाइन ही ये शो कर रही है कि ये सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अब ट्रेड क्या बन सकती है फ्रेंड, अगर ये इसके लो को यहाँ पे ब्रेक कर देता है जैसे कि ये दिखा रहा है, तो फिर इसकी मूवमेंट यहाँ पे इस लेवल तक हो सकती है, 34,497 के लेवल तक ये और यहाँ पे डाउनफॉल दिखा सकता है, क्योंकि यही इसकी नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रही है। और जैसा भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया भी है, जैसे ही इसने इसके लो को ब्रेक किया है, एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है फ्रेंड्स। तो मूवमेंट इसकी फ्रेंड ऑब्जर्व कर लीजिए, कितनी बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, लगभग इसने लो यहाँ पे बना दिया है, इस कैंडल ने 34,638 का इसने लो यहाँ पे बना दिया है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसमें मूवमेंट अब इसी तरीके से चलती रहेगी, और मार्केट जैसा कि देखे ऑलरेडी काफ़ी बड़ी मूवमेंट यहाँ पे दे चुकी है, मार्केट ऑलरेडी काफ़ी बड़ी मूवमेंट दे चुकी है, तो दिन के दौरान अब ये कंसोलिडेट कर सकता है, और एक ही रेंज में ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन होने के इसमें अब कम चांसेस होते हैं फ्रेंड। एक बार मूवमेंट होने के बाद प्राइस फ्लक्चुएशन के कम चांसेस यहाँ पे रहते हैं। अगर आज की ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करें 1 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट से, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली ऐसे बना सकते हैं फ्रेंड। अब हमें पूरा दिन क्या नोट करना है फ्रेंड, जैसा कि अब ये डाउन ट्रेंड में है, तो अब कंडीशन एक तो मैंने 5 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट आपको बता दिया है कि नेक्स्ट सपोर्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट फ्रेंड जैसे कि इसने लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका यहाँ पे अराउंड ये वाली लेवल पे 482 या 490 के लेवल पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। तो एक तो ये हो गया, ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। दूसरी मूवमेंट आपको बता देता हूँ, जैसे कि अब आने वाले दिन में क्या हो सकता है, ये यहीं पे कंसोलिडेट कर सकता है, नीचे वाला सपोर्ट वो हो गया, और फिर अगर अप मूव दिखाता है बार बार इस वाली ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, और ट्रेंड लाइन के सपोज करिए ये एक ब्रेकआउट दे देता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो इमिडिएटली ब्रेक करते ही कभी भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, इसको यहाँ पे कुछ मिनट कंसोलिडेट होने दीजिए, एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होने दीजिए, और जो इसका प्रीवियस हाई है, सपोज यहाँ पे ये रिवर्स होके आता है, ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हमें पोजीशन नहीं बनानी है। हमारी बेस्ट पोजीशन इसमें फ्रेंड कहाँ पे बनेगी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें अगर बाई साइड की पोजीशन बनेगी तो यहाँ पे बना सकते हैं, जब ये इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके लगभग 34,828 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, क्योंकि यहाँ पे ये बार बार रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, और फिर से ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा और आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी सपोर्ट हो गई 34,746, तो सपोज करिए ये यहाँ से ऊपर आता है तो 34,746 पे ये रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे आ सकता है, सपोज करिए इसको क्रॉस कर लेता है तो फिर ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। मूवमेंट आपको जब भी मिलेगी जब ये 34,830 के ऊपर इसको आज क्रॉस कर ले। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही,
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना